फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल और मेथी। तो अब मैंने ले लिया एक खाली बाउल और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच चावल। चावल जो हमारे स्कैल्प में गंदगी जमा हो जाती है, डेड सेल्स को निकालता है, डैंड्रफ को दूर करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चावल लिया है 2 चम्मच और 2 चम्मच लूंगी मैं मेथी दाना। मेथी बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बालों को घना करती है और बालों को मजबूत करती है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को ले लिया है और अब मैं इन दोनों को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इन पर कोई भी गंदगी होगी तो वो अच्छे से साफ हो जाएगी। तो ये देखिए, जो थोड़ी थोड़ी सी गंदगी निकल आई है और मैं इसे पानी को फेंक देती हूँ और कम से कम इसे 2-3 बार धोएं जिससे अच्छे से साफ हो जाए। तो एक बार मैंने धो दिया, अब मैं ये दूसरी बार भी धो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा गंदा पानी है तो अब पूरी तरह से ये साफ हो चुका है। अब इसमें आधा गिलास के बराबर पानी डालेंगे और रात भर के लिए सोखने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास रात भर का टाइम नहीं है, आप जल्दी चाहते हैं कि जल्दी हमको हेयर मास्क बनाना है, तो 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने आधा गिलास के समथिंग पानी डाल दिया और इसे अब मैं ढक के रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रात में मैंने चावल और मेथी दाना सोख करने के लिए रखे थे, अब वो सोख हो चुके हैं, फूल चुके हैं और इसमें से जेल जैसा तरल पदार्थ निकल गया। तो इसे मैं छान लेती हूँ और ये हमारा बनेगा सीरम। और इससे भी आप चाहें तो एक हेयर मास्क बना सकते हैं या आप फेस पैक भी बना सकते हैं। हेयर मास्क जो आप चाहें वो इससे बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए मेथी और चावल का माड़ और पानी। तो ये हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप कहेंगे ये रेमेडी कैसे हुई, ये तो मार्केट वाला एसेंशियल ऑयल पड़ेगा। आप इतने महंगे महंगे सीरम लाते हो, हेयर मास्क लगाते हो, हेयर ऑयल इतने महंगे महंगे लाते हो, तो एक इतनी छोटी सी चीज़ आपको सालों तक काम करेगी, तो आप इसे इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा ही करेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। तो आप इसको ज़रूर डालें, क्योंकि इसी से आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी। आयुर्वेद में भी आपने देखा होगा कि रोजमेरी से स्ट्रॉन्ग कोई भी ऐसा हेयर ऑयल नहीं है जो हमारे बालों को उगा सके, बालों की लंबाई बढ़ा सके। तो यहाँ पे 8 से 10 बूंद, कम से कम आपको 8 से 10 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लेना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने 8-10 चम्मच ले लिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद एक स्प्रे बोतल में भर के रख लेंगे और इस सीरम को आप 7 दिन के लिए कम से कम इसे फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। और उससे ज़्यादा तो ये थोड़ा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये चावल और मेथी का ही पानी है। तो 7 दिन के लिए आप इसे आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने स्प्रे बोतल में इस तरह से इसे भर लिया है। आपके पास जो मशीन का ऑयल होता है ना, कपड़े सिलने वाली मशीन ऑयल की बोतल जो होती है, इसी टाइप की होती है ना, आप उसे भी ले सकते हैं। और स्प्रे बोतल आपके पास कोई भी खाली पड़ी हो तो उसे भी आप ले सकते हैं। तो स्प्रे बोतल में करने के बाद आपको इसे नाइट में लगाना है। जब आपको लगे कि अगली सुबह आपको बाल धोने हैं, तो उससे पहले आप इसे नाइट में लगा के सो जाइए। आपको नाइट में ही लगाना है। अगर आप सोचें कि इसे दिन में लगा लें, नाइट में लगाओगे तभी ये बहुत ज़्यादा आपके बालों पर असर करेगा, आपके बालों की लंबाई और ग्रोथ तभी हो पाएगी। 1-2 घंटे में मतलब इतना असर नहीं करता। जो चीज़ हम रात में लगाते हैं वो 8-10 घंटे हमारे बालों में रहेगा तब असर। और इसमें कोई इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है जो आपको चिपचिप महसूस होगी। लगा के आपको सो जाना है और अगली सुबह वॉश कर लीजिए। अगर आपको चिपचिप महसूस नहीं हो रही है तो आप इसे लगातार ही 7 दिनों तक लगाओगे। तो लगातार इसे 7 दिन तक लगाओगे तो आपके बाल इतनी फास्ट ग्रो करेंगे, इतने जल्दी लंबे हो जाएंगे, आप ही खुद हैरान हो जाएंगे कि बाकी क्या रेमेडी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स।